नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल और आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर उच्च न्यायालय में, जहां पर आज सहायक शिक्षक शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। आज हुआ क्या, आज क्या चर्चा हुई न्यायालय में, आगे की कौन सी तारीख मिली है, इस विषय पर इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता से चलकर जानते हैं कि आज वास्तविक में हुआ क्या। आज सहायक शिक्षक शिक्षकों की पदोन्नति की एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी, लेकिन सुनवाई फिलहाल आगे के लिए स्थगित कर दी है। आइए जानते हैं मामले से जुड़े वकील श्री गोविंद देवांगन जी से कि असल में पूरा मामला क्या है और आगे क्या हुआ है। तो गोविंद देवांगन जी बताइए, आगे मामला पूरा है क्या असल में? ये शिक्षकों की जो पदोन्नति होनी है उसमें शिक्षकों द्वारा वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में जो नियम बनाए गए हैं, जो LB के कैडर के हैं, जो पंचायत विभाग से संविलियनों के एजुकेशन में संविलियन हुए हैं, उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किस प्रकार से की जानी चाहिए, इसके संबंध में कुछ शिक्षकों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है। और जो पदोन्नति के संबंध में जो फिक्सेशन की जानी है सीनियरिटी ग्रेडेशन लिस्ट, उसमें ये एक तो शासन द्वारा जो पदोन्नति के लिए क्राइटेरिया था 5 साल को कम करके 3 साल किया गया है। 3 साल की काउंट 1/7/2018 जो संविलियन हुए हैं उस तारीख से कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठता के निर्धारण ग्रेडेशन लिस्ट के प्रिपरेशन के लिए बैक सर्विस को काउंट कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ में शासन का विरोधाभास है। एक तो बोल रहे कि पास्ट सर्विस काउंट नहीं होगा, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि आप संविलियन दिनांक से 1/7/2018 से ही आपकी सीनियरिटी फिक्स की जाएगी। जिनकी संविलियन 1/7/2018 के बाद हुआ है वो इस प्रमोशन के लिए अपात्र हो जाएंगे, क्योंकि 3 साल का क्राइटेरिया में उन लोग नहीं आएंगे। ये सारे इशूज़ जो है वो चैलेंज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए गए हैं, बहुत सारे याचिकाकर्ता द्वारा, जिसमें से सहायक शिक्षकों की है, टीचर है, लेक्चरर है, सारे के पदोन्नति के संबंध में अलग अलग याचिकाएं, टोटल 19 याचिकाएं लगभग पेश किया गया, लगभग 19 याचिका पेश किया गया है। सर, ये मामले की जो सुनवाई है, ये अब आज की स्थिति में क्या प्रक्रिया हुई, क्या हुआ आज कोर्ट में? माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आज सारे मैटर लिस्टेड थे, टॉप ऑफ द लिस्ट में सबसे शुरुआत से बैठते समय सबसे शुरू के CC को देखा गया, जिसमें से और भी केसेस जो आज उसमें टेक किया गया है, जो पहले टेक नहीं था, उसमें क्लब नहीं था, और जो है आज की सारे केसेस में चीफ जस्टिस साहब ने नोट किया कि पहले नंबर केस में इशू क्या है, उनके तरफ से कौन अपीयर हो रहा है, इसमें कोई इंटरवेंशन है कि नहीं, और ये किसकी प्रमोशन से संबंधित है और क्या चीज़ चैलेंज किया गया है। ऐसे करते करते सारे केसेस में, सारे 19 केसेस में चीफ जस्टिस साहब द्वारा नोट किया गया, और उसमें ये किया गया कि कौन अपीयर हो रहा है, कौन इंटरवेंशन है और क्या इशू है। इसलिए मामले को अगली तारीख 12 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया है सुनवाई के लिए। एक तस्वीर अब लगभग न्याय की आ गई है, जिनको न्याय चाहिए, जो न्याय से पीड़ित है, कि 12 जुलाई के से उनकी जो लंबित सुनवाई चल रही अटकी हुई थी वो शुरुआत हो जाएगी। ये है कि बहुत सारी याचिका होने के कारण 12 जुलाई का डेट दिया है कि सभी प्रिपेयर होकर आए, सभी फैक्चुअली प्रिपेयर होकर आए, जिससे कि कोर्ट को असिस्ट हो इस मामले की सुनवाई करने के लिए, और जो भी इशूज़ है वो उस पर अच्छे से सुनवाई हो सके। छत्तीसगढ़ में LB संवर्ग के शिक्षकों के लिए समस्याएं अभी कम नहीं हुई हैं। शिक्षकों का संविलियन के पूर्व का लंबित एरियस रुका हुआ है। ये एरियस किसी के वेतन की अंतर राशि है, किसी के पुनरीक्षित वेतन की राशि है, किसी के कटौती की राशि है, और यह राशि लाखों रुपए में है। किसी शिक्षक को 1 लाख मिलना है तो किसी शिक्षक को 4-4 लाख मिलना है, और यह अभी तक लंबित है। गणना पत्रक मांगे जा चुके हैं, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात ही हैं। मजबूरन कई शिक्षक न्यायालय की शरण लिए हैं, और इस पर न्यायालय ने निर्णय भी दिया है। आइए जानते हैं जिन शिक्षकों ने न्यायालय में याचिका लगाई थी
अधिवक्ता गोविंद देवांगन के पास और उस पर क्या निर्णय हुआ उनसे जानते हैं। बताइए सर, क्या निर्णय था, मामला क्या था? बहुत सारे शिक्षकों की एरियस की राशि जो लंबित है उसके संबंध में इनके द्वारा कई बार अभ्यावेदन दिया गया है, उसके बाद भी उनकी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में क्षुब्ध होकर सारे याचिकाकर्ता शिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने एरियस के मामले में सुनवाई करते हुए एरियस के भुगतान के संबंध में आदेश पारित किया है और 4 महीने में संपूर्ण एरियस राशि का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है। अगर 4 महीने में संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस पर 10% इंटरेस्ट देने का भी आदेश दिया गया है। ये थे गोविंद देवांगन जी, जिन्होंने बताया कि मामला न्यायालय में आया तो कैसा रहा। लेकिन एक लोक कल्याणकारी सरकार के कर्मचारियों को अपने लंबित एरियस और वेतन के लिए न्यायालय की शरण लेना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। एरियस जो बचा हुआ है शिक्षकों के मेहनत की कमाई है जो आज भी शासन के पास अटकी हुई है और ये पैसा जो है इन्हें मिल नहीं रहा है और बताया जा रहा है कि आवंटन नहीं हुआ है। ये आवंटन कहाँ अटका है, कैसे अटका है, क्यों अटका है, यह सवाल बना रहेगा। सीजीवाल से मनोज जायसवाल की एक रिपोर्ट। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।